घरेलू टोटके सीरीज में आज हम अजवाइन के फायदे बयान करेंगे। अजवाइन जड़ी बूटियों से ताल्लुक रखने वाला पौधा है। इसके छोटे छोटे सफेद छतरी की तरह मिले हुए फूल होते हैं। फूलों के बाद छोटे छोटे बीज लगते हैं। जब ये बीज पककर खुशक हो जाते हैं तो उन्हें झाड़कर अलग कर लिया जाता है। इन बीजों को हम अजवाइन के नाम से जानते हैं। अजवाइन का रंग स्याही माइल भूरा होता है। इसकी बू तेज होती है, जबकि मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म और खुशक होता है। अजवाइन के पत्ते कुछ कुछ धनिये के पत्तों से मुशाबहत रखते हैं। उनमें थोड़ी सी तेजी और तलखी होती है। अजवाइन के फायदे और चंद अहम घरेलू नुस्खे। अजवाइन का इस्तेमाल बतौर दवा जमाना कदीम बल्कि कबल अज़ मसीह से हो रहा है। स्याही माइल भूरे रंग और तेज खुशबू की मालिक अजवाइन की दो मशहूर इकसाम हैं, पहली देसी और दूसरी घर रासानी। यहाँ हम अजवाइन से महसूस चंद फायदे का जिक्र करते हैं। अजवाइन देसी खाना हजम करती है और भूख बढ़ाती है। प्रसाद बलगम और अफारा को भी दूर करती है। अगर मुंह का जायका खराब हो तो अजवाइन के दाने चबाने से ठीक हो जाता है। इसके खाने से खराब डकारें आना बंद हो जाती हैं। अजवाइन को अगर शहद के हमराह खाया जाए तो चेहरे और हाथ पांव की सूजन में फायदा देती है। अगर उसे लेमू के पानी में रगड़कर खुशक करके सफूक बनाया जाए और ये सफूक एक चमचा चाय वाला हमराह पानी दिन में एक बार इस्तेमाल करने से जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है। हिचकी को रोकने के लिए अजवाइन देसी को आग पर डालकर उसका धुआं किसी नलकी के जरिए नाक में लिया जाए तो हिचकी फौरन बंद हो जाती है। अजवाइन के चंद दाने चबा लेने से कैफ फौरन रुक जाती है। खानों को जायकादार बनाने के साथ साथ अजवाइन खाना हजम करके भूख बढ़ाती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल फालिज और आसाबी तौर पर कमजोर मरीजों के लिए मुफीद है। ये जिस्म के जहरीले मादों को तहलील करती है और दिल को ताकत देती है। जुकाम की सूरत में अजवाइन को गर्म करके बारीक कपड़े में पोटली बांध कर सूखने से छींके आती हैं, जिससे पानी बह जाता है और जुकाम का जोर काफी हद तक कमजोर हो जाता है। अजवाइन अंडे की सफेदी में मिलाकर लगाना बच्चे की नाफ फूल जाने में मुफीद है। अजवाइन का अर्क और चूने का पानी मिलाकर पिलाना इस हाल में मुफीद है। रिया की सूरत में अजवाइन काली मिर्च और नमक में पीसकर हम वजन गर्म पानी से खाने से रिया मादा में मुफीद है। अगर पेट में कीड़े हों तो अजवाइन में शहद मिलाकर चाटने से कीड़े खत्म हो जाते हैं। घरेलू नुस्खों और टोटकों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नोट: घरेलू टोटकों की ये वीडियो हमने इकरा तौहीद मुगल की किताब किचन क्लिनिक से तैयार की है। ये किताब फिक्शन हाउस लाहौर से शाई हुई थी। नोट: ये वीडियो मफादे आम्मा के लिए तैयार की गई है। इसको डॉक्टरी मशवरा ना समझा जाए। तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें।